सच साहस सरोकार। रिहायशी इलाके में मिला अजगर, फॉरेस्ट विभाग की टीम ने किया अजगर को रेस्क्यू। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बद से बदतर है अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों ने लगाए डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप। सब्जी की दुकान से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था चोर, लोगों ने की मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। संकुल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन, कई छात्र छात्राओं ने लिया प्रतियोगिता में भाग। नाला और सड़क निर्माण कार्य में धांधली, पंचायती राज पदाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां के रिहायशी इलाके में 15 फीट की लंबाई का विशाल अजगर निकला, जिसके बाद अजगर निकलने की खबर सुनते ही देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। वहीं निवर्तमान वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता ने मामले में जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम एवं स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया और अजगर को सुरक्षित वाल्मीकि नगर के बीटी आर जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर 15 फीट से ऊपर का था। सुबह के टाइम में जब घर वाले पीछे निकले और निकल कर जब साफ सफाई कर रहे थे तो देखा कि बहुत बड़ा अजगर है। फिर उसको हमको बुलाया गया, हम गए, हम भी देखे। उसके बाद में काफ़ी वहाँ लोगों का भीड़ लग गया, स्थानीय लोगों का। उसके बाद में फॉरेस्ट विभाग को हमने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में फॉरेस्ट विभाग की टीम आई और स्थानीय वहाँ के लोग और हम सब बहुत मशक्कत की। उसके बाद में वो अजगर पकड़ाया और उसको पकड़कर फॉरेस्ट विभाग की टीम उसको ले गई वापस जंगल में छोड़ने। खबर बेतिया से है, जहां की नरकटियागंज के प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और कैंडल मार्च पोखरा मंदिर से लेकर सब्जी मार्केट के साथ विभिन्न मार्गों से होते शहीद चौक तक निकाली गई। बता दें, इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, मौन रूप से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। और हम सभी को के साथ साथ राजेश श्रीवास्तव को भी न्याय मिल सके। श्रीवास्तव जी के जो आकस्मिक जो मौत हुई है, उसके जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के रूप में की गई है। साथ ही हम लोग इस अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में भी हम लोग को कहना है कि यहाँ पे अगर ससमय अगर डॉक्टर उपलब्ध रहता और सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती तो हो सकता था कि राजेश श्रीवास्तव की जान बचाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी हम लोग मांग करते हैं कि इस अनुमंडलीय अस्पताल को थोड़ा सा अच्छा से बनाया जाए ताकि यहाँ पे दिन लोगों की मौतें जो है कम। खबर बेतिया से है, जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नरकटिया अनुमंडल अस्पताल में कोई भी व्यवस्था ठीक ना होने पर मरीजों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बता दें, इस मामले में पत्रकारों के द्वारा चिकित्सक से बात करने पर भी कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। और तो और, अस्पताल में बीपी मशीन और थर्मामीटर भी नहीं पाया गया, जिसको लेकर आक्रोशित मरीजों डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पूरा माना जो औरत लोग हमारे पड़ोसी लोग यार दोस्त चले जाए इधर साथ में, आधा घंटे बाद डॉक्टर साहब कह देंगे कि मेरे पास ना आना है, ना बीपी नापने वाला कोई चीज़ है, हम कौन चीज़ें देखें, बाहर से लाना पड़ेगा।
कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम क्या चीज़ देख सकते हैं। कौन बोले? डॉक्टर साहब बोले हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज सब्जी मंडी स्थित एक सब्जी की दुकान में चोर मोबाइल चोरी कर भाग रहा था, जिसको लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। वहीं नरकटियागंज वार्ड संख्या 7 के रहने वाले युवक ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल को चोर अपने ही किसी रिश्तेदार के बेच देता है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बैरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रोजेक्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें, इस तरंग प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि संकुल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में आधा दर्जन प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। जो प्रतियोगिता हो रहा है तरंग प्रतियोगिता, ये सीआरसी स्तरीय, पहले हम लोग विद्यालय स्तरीय अपने बच्चों को विद्यालय में चयन किए, उसके बाद सीआरसी स्तर पर यहाँ 10 विद्यालय है, 10 विद्यालय के बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें सीआरसी स्तर पर। और हर आइटम में बालक बालिका दो दो बच्चों को हम लोग को चयन करके और प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के लिए यहाँ से भेजना है। तो प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता जो है इसी मैदान पर 9 तारीख को 9/12/2022 को यहीं पर होगा। इसमें 3 कैटेगरी का खेल है, मतलब 12 वर्ष तक के लिए, 14 वर्ष तक के लिए और 17 वर्ष तक के लिए। ये संकुल स्तरीय तरंग कार्यक्रम प्रतियोगिता कराया जा रहा है बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता। ये 12 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे और बच्चियों को तैयारी कराई जा रही है। इस इवेंट में जो भी 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वह 9 तारीख को बीआरसी स्तर पर खेलेंगे। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां नाला और सड़क निर्माण को अनदेखी कर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं इसे देखते ग्रामीणों ने मामले में शिकायत भी की है, जिसके बाद पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए टीम गठित की है। जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा। परफेक्ट नहीं हो पाया, जैसे मसाला वसाला बिल्कुल सफाई से ईंट वीट वगैरह है। दो नंबर का ऑर्डर देखनी थी, हमारे तो इतनी जानकारी नहीं। ईंटा कितना नंबर पता है आपको? पता नहीं बता रहे, तीन नंबर बताया जा रहा है। तीन नंबर ईंटा, कैसा मटेरियल दे रहा है? अब है ये मटेरियल है वो छूट जा रहा है। पहले एक महीना नहाए हो गया हम लोग, नाला तैयारी नहीं हो रहा है। कैसा मटेरियल लगा रहा है यार?
मटेरियल तो एकदम घटिया लगा रहा है। घटिया लगा रहा है। इन्हें कच्चा ईटा दीसा है नाला में, हम वहाँ पर दिन मार गिर गए। गिर गए यहाँ काम कैसा? कच्चा ईटा ना दीसा ना, अच्छा काम हुआ है। काम कैसा हो रहा है? ना बढ़िया काम हुआ है। अच्छा घटिया हो रहा है। अच्छा, मैंने फौरन एक जांच टीम गठित कर दी है, दो तकनीकी सहायक के नेतृत्व में, श्री ऋषिकेश कुमार और खुशबू कुमारी के नेतृत्व में, जिसमें मैंने उन्हें 24 घंटा में रिपोर्ट देने को कहा है। अगर यह बात सही पाई गई तो उस कार्य पे काफ़ी उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। खबर मधुबनी से है, जहां बाल कल्याण समिति ने 4 सालों से भटके हुए बच्चे को उसके परिजनों को सौंपा। बता दें 2020 में बालक घर से भटक गया था, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने जब बालक की काउंसलिंग कराई गई तब संज्ञान में आया कि बालक मानसिक रूप से विशेष है और बोलने में भी जिसे बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू कर ढूंढ निकाला। 3 साल पहले निकलल ये आ बाल कल्याण के माध्यम से हमरा सूचना मिलल, उसके आधार पर सब एठम एलो तो हमारा बच्चा। ये बालक पंकज कुमार है जो 3 वर्ष पहले घर से भटक गया था, मुख बधिर बालक है। तो इसे चाइल्ड लाइन के द्वारा, अंधराठाड़ी के द्वारा यहाँ पे लाया गया, बाल कल्याण समिति में उपस्थापन कराया गया। तो फिर बच्चे को बाल गृह में रखा गया था और ये 3 वर्षों से बाल गृह में था। फिर इसका हम लोगों ने प्रयास किया, इनका पता लगाने का काफ़ी प्रयास किया गया, पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, चाइल्ड लाइन भी थी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए थे। तो इसका पता का ट्रेस किया गया और फिर आधार कार्ड जब बनने लगा तो इससे इसका स्पष्ट पहले बना हुआ था तो इसका एड्रेस मिल गया। तो इसके परिवार वालों को सूचना दी गई और इनके परिवार वालों को बुलाकर बच्चा को सुपुर्द किया जा रहा है बाल कल्याण समिति के द्वारा। खबर मधुबनी से है, जहां जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के सेलरा पंचायत के पचहर पुरंदहा गांव के बीच सीएससी संचालक से रुपए लूट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों की गिरफ्तारी किया है और लूट कांड में उपयोग मोबाइल व बाइक को भी बरामद किया है। वहीं एसडीपीओ बिप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। जयनगर अंतर्गत पुनर्दाहा गांव में मरघटिया पुल के पास जो है संतोष सिंह पिता त्रिवेणी सिंह जो कि हनुमान नगर परवा के रहने वाले हैं, उस सीएसपी संचालक उनके द्वारा जो है कुछ अज्ञात कर्मियों द्वारा जो है अपराधियों द्वारा 3 लाख रुपया, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल और मोबाइल जो है लूट लिया गया था 4 लाख रुपया। इस क्रम में जो है जयनगर थाना कांड संख्या 476/22 दर्ज करके अनुसंधान किया गया और तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जो है एक पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उसमें अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुमन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि इस कांड में मैंने लाइनर का काम किया था और मेरे अन्य 3 सहयोगी निशानदेही पे मोहम्मद सरफराज और कुदुज को गिरफ्तार किया गया। हमें 6 अपराधियों का नाम आ रहा है जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना में प्रयुक्त किया गया जो मोटरसाइकिल है उसको बरामद किया गया है, प्लेटिना वाला प्लेटिना मोटरसाइकिल, और इस अपराध में जो मोबाइल जो लूटा गया था वो 3 मोबाइल जब्त किया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा
शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है, जहां रामनगर में लंबे इंतजार के बाद बस स्टैंड का स्थानांतरण हुआ। बता दें, बस स्टैंड अंबेडकर चौक से मसान डैम्प बनाया गया। इस बस स्टैंड के स्थानांतरण से आए दिन लगने वाले जाम से छुटकारा मिल गया, जिससे लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें, रामनगर SDPO सत्यनारायण राम व कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस का परिचालक किया। वहीं मौके पर नगर परिषद कर्मी के साथ कई लोग मौजूद रहे। बस स्टैंड प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले बस स्टैंड अंबेडकर चौक से खोदा जाता था, वहाँ कई सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या जाम की थी। दूसरी बात, मुख्य सड़क मार्ग जो है उसी में आधा जो जगह है वो बस ही ऑक्यूपाई कर लेता था, घेर लेता था, तो जिससे आवागमन भी प्रभावित होता था। आप लोगों को जानकारी होगी, ये इसका चीनी मिल का सीजन भी चल रहा है, तो उससे और ज़्यादा जाम की समस्या बनी रहती है। तो एक प्रयास है हमारी तरफ से, बस स्टैंड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगली चुनौती ये इसमें ऑटो वाले जो वहाँ पे लगाए हुए हैं उनको भी हम यहीं पे लेके आएंगे और यहाँ से सुचारू रूप से चलाएंगे। खबर मधुबनी से है, जहां जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव में एक नाबालिग बालक के पैर पर पेट्रोल छिड़क कर जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद जख्मी हालत में बालक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और बीच बचाव किया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने बालक को CSC उमगांव में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बाबा थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में शामिल सभी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जरा देकर गाछी दिशन लग गया, गाछी दिशन से हम भाग गई ना, तब पेट्रोल रोड पर आकर छिट दल के रोड पर आई के बाद सलाह बैठ कर भाग गई। वो अभिषेक 11-10 के छोटका लड़का, 11-10 का छोटा लड़का था, उसको ये पैंट पहना हुआ था, उस पर पेट्रोल छिट के सलाई मार के वो लड़का वहाँ से भाग गया। फिर मतलब रोशन जो वहाँ का लड़का था ना, वो लेके आया घर पे, हम घर ही पे थे। उसके बाद मतलब उसको लेके गए हम हॉस्पिटल में, मतलब दवाई ववाई लिए, फिर थाने पर आए रात में, सब बिल विल दिखाई, उसके बाद केस किए यहाँ से। और फिर बोला जब ठीक है पठा रहे गाड़ी घर में, रात में गया था गाड़ी भी। इलाज कहाँ करवाया? वही इलाज उम गाँव सरकारी हॉस्पिटल में। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष।